यार एक बात है, जब हम लोग छोटे होते थे तो उस वक्त जो है मुझे याद है कि चतुरना टाइप के गाने, इनामिना डीका टाइप के गाने हम लोग सुना करते थे। उसकी समझ कोई नहीं आ रही होती थी, लेकिन बस जो है वो बीट चल रही है, इन्जॉय कर रहे हैं, जैसे आजकल के ये यू हनी सिंह और बादशाह वगैरह। तो अब क्या चीज़ है कि जो आजकल के यंग बच्चे मेरा ये नहीं, टीनेजर्स भी नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट 9-10 साल के जो बच्चे हैं, अब वो कौन से गाने सुन रहे होते हैं? सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। और सिर्फ ये नहीं कि जो है कि नाम है उन्हें गाना वैसे पसंद आ रहा है, लाइक दे नो वट दे आर लिसनिंग टू। फिर उसके बाद तुझमें रब दिखता है यार, मैं क्या करूं, और मेरी समझ से बाहर उन्हें किस चीज़ का दुख है, ये मेरी समझो बाहर आ गया काम। और मे बी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, बट आज का लेसन जो है वो यही है, तुझमें रब दिखता है। तो ये लेसन आज शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बात जो है कि नाम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये सॉन्ग ओरिजिनल स्केल पे प्ले करना है, जो कि सॉन्ग है, ठीक है, तो आपने जो अपनी वॉयलिन है उससे एक एक स्टेप आपने ऊपर ट्यून करना है। ई है तो ई के बाद एफ आ जाएगा, ये ए जो है वो ए शार्प हो जाएगा, डी डी शार्प हो जाएगा, और जी जी शार्प हो जाएगा। इसे आप हर स्ट्रिंग को एक स्टेप आपने ऊपर ट्यून करना है, ठीक है, फिर जाके ये ओरिजिनल स्केल पे प्ले होगा। वरना आप जिस तरह अभी मैं प्ले कर रहा हूँ वो भी आप प्ले कर सकते हो, अगर आपने कैरोके के साथ नहीं इसे प्ले करना। अभी पहला पार्ट सुने कि पहला पार्ट आपने किस तरह से क्या है और कैसे आपने बांध प्ले करना। अभी आपने किस तरह से प्ले करना है, डी के सेकंड फ्रेट से आपने आना है, फोर्थ। अब यहाँ से सेकंड से आपने पुल ऑफ करना है ओपन की तरफ, डी स्ट्रिंग पे, सेकंड, फिर क्या अभी आपको थोड़े से जाना कि ना डिफिकल्टी आ सकती है अगर आपके हाथ छोटे हैं, तो किस तरह से यहाँ पे सेवन्थ और फिफ्थ पे आपने टैप करना है, सेवन्थ से फिफ्थ पे, ठीक है, तो किस तरह से होगा, फिर फोर्थ, ठीक। तो पहला पार्ट क्या हो गया, फिर उसके बाद फोर फोर फाइव फाइव, यहां से स्लाइड करते हुए, यहाँ से स्लाइड करते हुए सेकंड फ्रेट पे आपने आ जाना। तो अब इसमें दोबारा रिपीट करता हूँ, अब यहाँ से जो है मैं सेकंड फ्रेट पे है, ठीक है, तो अब यहाँ से मैं सेकंड पे नहीं आऊँगा, ठीक है, अब यहाँ से क्या करूँगा, मैं फर्स्ट से जो है स्लाइड करता हुआ, यहाँ पे बेशक मैं सेकंड पे फिंगर, फर्स्ट से स्लाइड करता हुआ मैं सेकंड पे आऊँगा, फर्स्ट फिंगर जो है मेरी, ठीक है, अब ज़रा देखना, ना ना ना, जो दूसरी जो इसकी लाइन है, ठीक है, तो अब किस तरह से आएगा, फिर टू फिफ्थ, सेकंड फ्रेट ए पे, फिर सेकंड फ्रेट डी पे। अब सुनो, मैं इसे स्लोली एक बार प्ले करता हूँ, फिर उसके बाद ना 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 ना, अब ये किस तरह से आएगा, सेकंड फ्रेट ए पे, सेकंड थर्ड, उसके बाद फिफ्थ, यही थर्ड से आपने फिफ्थ की तरफ स्लाइड करना है, ठीक है, फिर थर्ड और फिफ्थ पे स्लैप, सॉरी टैप, सेकेंड ओपन, सेकेंड, ठीक हो गया, अगेन रिपीट द सेम थिंग, और कुछ ना जानू मैं, अब टू थ्री टैप, ठीक है, ओपन, फिर
020 टैब डी पे फिफ्थ, ठीक। तो फिर डी पे फिफ्थ, फोर्थ, सेवन्थ और फिफ्थ में टैप, फोर्थ अगेन, फाइव फोर टैप फोर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, जहाँ पे सेवन्थ फ्रेट पे आ रहे हैं ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अभी सही बार सुने, ठीक हो गया। अब मैं इसे एक बार स्लोली प्ले करता हूँ, तो इसे आप देखें, फिर तुझ मेरे वो दिखता है जो वो वाला पार्ट है, अब ये किस तरह से आएगा, जी स्ट्रिंग पे फोर्थ फ्रेट और डी स्ट्रिंग पे फिफ्थ, फिर सेवन फाइव फोर, फिर फोर और फाइव में डैप, ठीक हो गया। तो टू जीरो, फिर फिफ्थ फ्रेट जी पे, फिफ्थ डी पे, फाइव सेवन फोर, फोर फाइव फोर टैप टू, ठीक हो गया। इसे मैं स्लोली प्ले करता हूँ, again the same thing, फिर अभी किस तरह से सेकेंड फ्रेट जो है वो डी और ए पे, थ्री टू जीरो टैप, फिफ्थ फ्रेट फोर्थ सेकेंड फिफ्थ अगेन, फाइव सेवन फोर टैप सेकेंड। अब इसका जो कोर्स पार्ट है मैं दोबारा से एक बार प्ले करता हूँ स्लोली, इसे आप देखें, तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद जो इसका अब अंतर है वो इस तरह से आएगा, अंतरा सिंपल है, अंतरा कोई इतना मुश्किल नहीं है, अब ये किस तरह से आएगा, टू 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 जीरो टू जीरो, ठीक हो गया ए स्ट्रिंग पे, अगेन टू थ्री टू, टैप भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, टू थ्री टू थ्री टू जीरो जीरो, फिर फाइव फोर टू फोर, फिर टू में टैप, ठीक हो गया। तो
अब यहाँ पे ऊपर से मैं टू पे जो वो स्लाइड किया वो भी आप कर सकते हो, इम्प्रोवाइजेशन जो भी है। Again the same thing. 4-5 open 2-2-2. अब यहाँ पे फिफ्थ फ्रेट आ रहा, ऊपर से स्लाइड 3-2-0, ठीक है। तो फिर यहाँ से 5 पे, 5 से थर्ड पे स्लाइड, इसे मैं स्लोली एक बार प्ले करता हूँ, ठीक है, और इसे आप देखें गौर से। फिर उसके बाद अब और कुछ ना जानू मैं, अब जो इसके ऊपर वाला पार्ट है अब और 2-3, फिर यहां से स्लाइड करते हुए 7 पे आपने जाना है, ए स्ट्रिंग पे। 7 पे आए, फिर 7th और 9, 5 और 7 में टैप, फिर अभी वाला पार्टी पे मैं स्लोली प्ले करता हूँ। फिर अगेन तो इसमें रब दिखता है, तो इस तरह से आपने तुझ में रब दिखता है प्ले करना। नाउ डू प्रैक्टिस इट। आई होप आपको समझ आ गई कि आपने तुझ में रब दिखता है कैसे वॉल्यूम पे प्ले करना। नाउ डू प्रैक्टिस इट। और अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकॉन है उसे जरूर क्लिक करना ताकि जो मेरे फ्यूचर अपलोड्स हैं वो आपको मिल जाए। सो अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन।